الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين الراشدين المسترشدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله مولانا العظيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. عزيزان محترم میرے بزرگ و دوستو نوجوان ساتھیوں الحمدللہ بفضل تعالی آج ربیع الاول شریف کی یہ دوسری مجلس ہے اور مجالس کا یہ سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. آئیے گفتگو کا آغاز ہو اس سے قبل دو تین اشعار نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول برکت کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. قبل اس کے سب مل کر بابا سے بلند درود پاک پڑھی. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. کوئی کوئی سلیقہ ہے آرزو
रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी
वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब अल्लामा इकबाल का भी अकीदा यह था कि इस ये आयाए मुबारका
अल्लाह की हम्द भी है और नाते मुस्तफा भी है, ये अल्लाह की शान भी है और अल्लाह ने अपने फजल से अपने हबीब को भी यही शान अता फरमाई, यानी अपनी शान अव्वली आखिरी जाहिरी बातिनी का मजहर कामिल बनाया अल्लाह ने अपने महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नूर को सबसे पहले पैदा किया वही अव्वल, भेजा सबसे आखिर में वही आखिर, उसी को वही हुआ अव्वल व आखिर व जाहिर, उसी को जाहिर किया कि आज हमें जो कुछ मिला है वो वजूद मोहम्मद से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अंबिया एक साबिकीन को भी जो कुछ मिला है वो नूर मोहम्मदी ही के फैज से मिला है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने अपने आप को हुजूर से लापरवाह कर दिया, यानी जिसने अपनी निस्बत हुजूर से काट ली, मुनकते कर ली, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों, तो वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, जहां देखो उन्हीं के चर्चे हैं, आसमान में उन्हीं के चर्चे हैं, जन्नत में उन्हीं का चर्चा, सारी कायनात में उनका चर्चा है, वही जाहिर और बातिन भी इतना इतना बातिन इतना पोशीदा रखा अल्लाह ने अपने महबूब को कि उस रिवायात में आता है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को 70,000 पर्दों में रखा, 70,000 पर्दों में रखा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की हकीकत मुहम्मदी की मारिफत के लिए मेहनत की, मुराकबा किया, मुजाहिदा किया, सब कुछ किया, और मैं पहुंचा तो जैसे ही पहला पर्दा हटाया तो मैं उसकी ताब न ला सका और मैं बेहोश हो गया। पहला पर्दा हटाया तो मैं उसकी ताब न ला सका। मेरे दोस्तों, वो जो शबे मेराज के ताल्लुक से शेख सादी ने कहा, यक सरे मुहे बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोसत परम, इकबाल बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, ये मेरी इंतहा है। अब दोस्तों अजीजों, इसको यूं भी बयान किया जाता है कि हजरत जिब्रील की अल्लाह ने वो लिमिट तय कर दी थी कि इससे आगे आपको नहीं आना है, वहां से लामका शुरू होता है, मंजिलें खत्म हो जाती है। हजरत जिब्रील कहते हैं अच्छा, मक्के की सरजमीन पर काबे के सहन से हरमे मक्का से साथ में है जिब्रील, शबे मेराज को आपने सुना ना, अभी जब बात आगे बढ़ेगी हुजूर की सीरत पर जब गुफ्तगु शुरू होगी, हुजूर का बचपना, हुजूर की जवानी, हुजूर का निकाह, हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, हुजूर के अस्हाब, हुजूर के अखलाक़े हसना, हुजूर के वफादार जानिसार साथी, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की का ऐलान नबूवत, और फिर ये 40 साल जिंदगी, और फिर उसके बाद नुज़ूल कुरान का जो जमाना है 23 साल, ये तमाम पूरी सीरत इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, बात आगे बढ़ रही है इंशाल्लाह धीमे धीमे, पूरी पाबंदी से आप शिरकत करें रहे तो पूरा एक चैप्टर आपके जहन नशीब होगा इंशाल्लाह, और इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगेगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था, आप लोगों की तवज्जो नहीं है, हत्ते जिब्रील, ये मैं आपको आजमा रहा था, तवज्जो रखिए, बांध के रखिए। हत्ते जिब्रील ने अर्ज किया, यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोसत परम, अगर एक बार बराबर भी जब सीरत पर हम गुफ्तगू होगी तो मेराज का पूरा नक्शा मैं आपके सामने रखूंगा, अभी
बात निकली है तो सिर्फ इशारा कर दो। जिब्रील ने कहा कि मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मक्के की सरजमीन से हज़रत जिब्रील साथ में है, जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे साथ में है, आसमानी सफर शुरू हुआ साथ में है, पहले आसमान पर साथ में, दूसरे पर साथ में, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवे पर साथ में है, सिदरतुल मुंतहा तक साथ में है, अर्श की चोटी तक साथ में है। अब ये क्या हो गया कि कहते हैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। तो सुनिए हकीकत क्या है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, शबे मेराज अपने पास बुलाया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो बशरी लिबास में थे, हज़रत जिब्रील साथ में थे। जब बैतुल मुकद्दस से आसमानी सफर शुरू हुआ, बशरी लिबास उतर गया और नूरी हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए, तो हज़रत जिब्रील भी नूरी है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी नूरी है, साथ में है, और ये नूरी सफर आगे बढ़ा। पहला आसमान आलमे मलकूत से गुजरे, आलमे लाहूत से गुजरे, आलमे हाहूत से गुजरे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। अब ये नूरी लिबास भी उतरने वाला था, अब हकीकत मुहम्मदिया बेहिजाब होने वाली थी। तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी हकीकत की तजल्ली का मैं ताब नहीं ला सकता, अब यहां से आपको तन्हा जाना। हकीकत मुहम्मदिया बेहिजाब, सारे पर्दे उठ गए, पर्दा उठता गया जैसे सफर आगे बढ़ता गया, और फिर हकीकत मुहम्मदिया बेहिजाब होकर ला मक्का पहुंची है, और अपने रब के कुर्ब खास में जिस सूरत में परवरदिगार ने अपने महबूब को पैदा किया था, उसी हालत में रसूलुल्लाह मेराज में लौट आए। तो दोस्तों बात यह चल रही थी कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना पहले पैदा किया और भेजा सबसे लास्ट में। तो सुनिए और एक नुक्ता और भी समाप्त करते चले कि मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके खुलफा कितने हुए? चार। चार नहीं, चार तो खुलफाए राशिदीन है, हर एक सहाबी हुजूर का खलीफा है। क्या? हर एक सहाबी हुजूर का खलीफा है, वो खुलफाए राशिदीन है, और वैसे हर सहाबी हुजूर का खलीफा है। आपके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना ये जिम्मा रसूलुल्लाह ने अपने हर एक सहाबी के जिम्मे में डाला कि तुम अब मेरी ये दावत, अब मेरा ये दीन, मेरी शरीयत, मेरी सुन्नत तुम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओगे। वो सहाबा ने उसका हक भी अदा किया। अल्लामा इकबाल ने एक नक्शा अपने अशार के जरिए बयान किया कि अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में भी पहुंचे सहाबा, यूरोप को फतह किया, सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक आए, हिंद की सरजमीन पर आए और केरला तक आए, और इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया सहाबा ने, जिसको अल्लामा ने कहा कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सहाबा इकराम की शान अजीम है कि रसूलुल्लाह ने जो जिम्मा उनके जो जिम्मेदारी उनको दी थी वो अपनी जिंदगी में उन्होंने उसको मुकम्मल, उसका हक अदा किया और जमीन के कोने कोने तक इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग को पहुंचाया, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आम किया। तो हर सहाबी रसूल का खलीफा है, तो बशरी सूरत में रसूल के खुलफा 1,24,000, जाहिरी बशरी सूरत में बशरी हालत के खुलफा रसूलुल्लाह के 1,24,000 सहाबा, और जब रसूलुल्लाह बातिन में थे, नूरी सफर था, तो अंबियाए कराम उस नूरी कैफियत के 1,24,000 वो भी मेरे नबी के खुलफा थे, वो भी नूरे मोहम्मदी के खुलफा थे। भाई अल्लाह ने, अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जमीन पर इंसानों के लिए जो परवरदिगार ने जो दीन पसंद फरमाया, इन्नदीन इन्दल्लाहिल इस्लाम, जिसको
सूरह आल इमरान में कहा गया कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने इस दीन को चुन लिया है ना, कि अब आदमी इंसान इसी दीन को फॉलो करेगा और इसी दीन पर अमल करेगा और हमें राजी करेगा, हमारी बंदगी करेगा, अपनी मर्जी से या किसी और तरीके से, किसी और रास्ते से अल्लाह को राजी नहीं किया जा सकता। अल्लाह राजी होगा तो सिर्फ इस्लाम के दायरे में रहकर। इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसको रब ने पसंद किया, तो अल्लाह ने इस दीन को पसंद किया और इस दीन का दाइये मुतलक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया के मेरे महबूब। और उसकी तशरीह में हदीसे कुदसी, उसकी दलील में हदीसे कुदसी से आपको दूं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतु कंजम माफीका फअहबबतु अन उरफा फखलक्तु नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाहिर हूं, लोग मुझे पहचाने, मेरी हम्द करे, मेरी तारीफ करे, तो मैंने नूरे मोहम्मद को पैदा किया। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूरे मोहम्मद को पैदा किया। अब दोस्तों नूरे मोहम्मद का मकसद तखलीक, मकसद हकीकी क्या है कि अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की जात को तमाम इंसानों को पहचानवाए, तारुफ करवाए। ये नूरे मोहम्मदी का मकसद तखलीक था। नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से पैदा किया कि अल्लाह ताला पहचाना जाए। तो वो नूरे मोहम्मदी अपने मकसद में उसी वक्त से लग गया, वो नूरे मोहम्मदी अपने मकसद में उसी वक्त से लग गया जब आदम के वजूद में आया तो आदम के जरिए रब को पहचानवाया, जब नूह की सुल्म में आया तो नूह के जरिए दुनिया में अल्लाह की उलूहियत का प्रचार किया, इब्राहिम की सुल्म में आया तो इब्राहिम के जरिए अल्लाह की तौहीद को आम किया, इस्माइल की जब इस्माइल की पेशानी में आया तो इस्माइल के जरिए दुनिया में अल्लाह को तआरुफ करवाया। तो ये नूरे मोहम्मदी जब आलम नूर में था तो अंबिया 1,24,000 खुल्फा हुए, और जब ये नूरे मोहम्मदी बशरी पैगर में आया तो सहाबा 1,24,000 आपके खुल्फा हुए। तो आप अपनी दावत में जब से पैदा हुए उसी वक्त से लग गए, और ये नूरे मोहम्मदी अल्लाह अकबर। अच्छा ये कहा जाता है नूरे मोहम्मदी, मैं तो समझता हूं वो ये है कि वो नूर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर दरअसल रूहे मोहम्मदी, रूहे मोहम्मदी, चूंकि रूह जो है वो नूरी मखलूक है तो रूहे मोहम्मदी भी कहा जा सकता है, नूरे मोहम्मदी भी कहा जा सकता है, और कहीं रूह से मुतारफ है, कहीं नूर से मुतारफ है। जैसे कुरान में आया قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर और रोशन किताब। तो नूर से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान हकीम है, तो आ गया तुम्हारे पास। तो यहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नूर कहा गया और इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा, के महबूब हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा, सिराज मुनीर बनाकर भेजा, बशीर और नजीर बनाकर भेजा, शाहिद और मुबशिर बनाकर भेजा और सिराज मुनीर बनाकर भेजा। ये नूर ऐसा है कि जहां जिस 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 रास्ते से गुजरता गया अपनी चमक और अपनी रोशनी, अपना नूरी फैज तकसीम करता गया, बांटता गया और सारी कायनात को तौहीद के परचम से मुनव्वर करता गया, तौहीद के फैज से रोशन करता गया। मेरे दोस्तों अजीजों, तो रसूल को कहीं नूर कहा गया और मैं कहता हूं कि वो रूह है मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको रब्बुल आलमीन ने अव्वल पैदा फरमाया। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो रिवायत हमें मिलती है कि हुजूर ने फरमाया, जब आपने सवाल किया कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, सुनिए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, ये हज़रत जाबिर सहाबी रसूल हैं, उन्होंने हुजूर से ये सवाल किया, तो उसके जवाब में आका ने फरमाया अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया वो मेरा नूर है, और दूसरी रिवायत में नूर नबी की का तेरे नबी के नूर को पैदा किया, वकुल्लु खलायतिन मिन नूरी, और तमाम मखलूक को मेरे नूर से
من نوری وانا من نور من نور اللہ, کہ اللہ نے ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا اور مجھے اپنے نور سے پیدا کیا. اور پھر ایک دوسری حدیث قدسی پیش کر دوں, اللہ فرماتا ہے لقد خلقت الدنیا واهلها لعارفهم بمنزلتك وكرامتك عندي, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا, کس لیے پیدا کیا, لقد خلقت الدنيا واهلها, ہم نے دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تیری کرامت تیری عزت جو میری بارگاہ میں ہے وہ ساری دنیا اور اہل دنیا جان لے. لقد خلقت الدنيا واهلها لعارفهم بمنزلتك وكرامتك عندي, میرے محبوب تیری کرامت تیری عزت تیری عظمت جو میری بارگاہ میں ہے میں نے دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ تجھے پہچانے, وہ تیری عظمت کو جانے, تیری فضیلت کو جانے, تیری کرامت کو جانے. اب دوستو عزیزو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ ہم مصطفیٰ کو جانے, اور مصطفیٰ کا کام ہے کہ وہ خدا کو پہچانوائے. ہمیں تو ابھی تو ہمیں رسول سمجھ میں نہیں آئے, ہم اللہ کو سمجھنے چلے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بریلوی لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور سنی مسلمان اپنے ہر جلسے میں اپنی ہر مجلس میں نبی کا چرچا کرتے ہیں, نبی ہی کا ذکر کرتے ہیں, چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو, چاہے عید میلاد متحی ہے, چاہے کوئی مہینہ ہو, رمضان کا مہینہ ہو جس میں روزے کے فضائل ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, قرآن اس میں نازل ہوا, مگر اب ہر موسم میں ہر مجلس میں نبی کا ذکر ہے. تو دوستو اس اعتراض کرنے والے یہ اعتراض ڈالنے والے سنیوں پر بے وقوف ہیں, احمد ہیں اور یہ جہالت ہے ان کی. ارے ہمیں تو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم مصطفیٰ کو پہچانے, ہم رسول کو جانے اور ہم رسول. اور علامہ اقبال نے کیا کہا سنیے, ادب کا ہی زیر آسمان عرش نہ سنتا نفس گم کرتا بھی آیت جنید و با یزید ہی جا با مصطفیٰ برسان خیش را کہ دی ہم آوس گر بہونا رسیدی تمام وہ لحبیس. علامہ اقبال کیا عقیدہ دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں کہ سن لو آسمان اور کے نیچے زمین کے اوپر ادب کی جگہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ, ادب کا ہی زیر آسمان از عرش نازک تر. اور سنیے کیا کہتے ہیں, بہت بھاری بات کہتے ہیں, بہت بھاری بات کہ یہ ادب کی جگہ ہے آسمان کے نیچے مصطفیٰ کی بارگاہ, اتنی ادب کی جگہ ہے, اس کے ادب کا کمال اتنا ہے کہ عرش سے زیادہ ادب کی بارگاہ ہے. از عرش نازک تر, عرش الہی سے زیادہ نازک بارگاہ. اگر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو گئی تو آپ کی توبہ قبول کی جائے گی, مغفرت کر دی جائے گی اور آپ کے اعمال کو ختم نہیں کر دیا جائے گا, مگر یہ رسول کی شان ہے اور یہ شان اللہ نے دی ہے کہ قانون بنا دیا قیامت تک, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب کے سامنے بلند مت کرو, لا تجهروا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, وہ کیا ہوا کہ نئے نئے مسلمان جو دیہات سے چل کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے اور صحابیت کا شرف حاصل کرتے مسلمان ہوتے تو ان کو اتنا سلیقہ نہیں تھا, اتنا علم اتنا شعور نہیں تھا. حضور علیہ السلام کمرے میں ہوتے, بے شک وہ تمہیں پکارتے جب آپ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں ہوتے, ندا دیتے اور ندا کا طریقہ کیا تھا, یا محمد, اے محمد ہم آئے ہیں آپ سے کچھ کام کے لیے کچھ سیکھنے, آواز دے دے اللہ تعالیٰ کو. اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے انبیاء سابقین علیہم السلام کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے, کہیں دیکھو آپ پڑھتے ہیں قرآن, یا موسیٰ اننی انا اللہ, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا داؤد, یا زکریہ, یا یحییٰ. اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کو آپ ان کا نام لے کر کے ندا دی ہے, پکارا ہے, مخاطب کیا ہے. اب یہاں جو نو مسلم تھے جنہیں اس بات کا شعور نہیں تھا,
उनकी नीयत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उनकी नीयत में कोई खता नहीं थी, शऊर नहीं था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह पसंद ना आया कि कोई तुम में से मेरे हबीब को उसके नाम से बुलाए। अरे हमने अपने महबूब को नाम से नहीं बुलाया तो तुम्हारी औकात क्या है? हमने जब अपने महबूब को बुलाया तो कहा या अय्युहन नबी, हमने जब अपने महबूब को पुकारा तो कहा या अय्युहर रसूल, हमने जब अपने महबूब को पुकारा तो कहा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, हमने जब अपने महबूब को पुकारा तो कहा ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशका या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दसिर। मेरे दोस्तों, रब तआला फरमाता है खबरदार, आज के बाद कयामत तक अब तुम्हारा ईमान और ये इस्लाम इसी बात पे रहेगा कि तुम मेरे महबूब को अपनी तरह आपस में जिस तरह बुलाते हो ऐसे नहीं बुलाओगे और अपनी आवाज को नरम रखोगे। अगर तुमने ऐसा ना किया, आवाज बुलंद हो गई, अंतह बता अमालुकुम अंतुम ला तशुरून, तुम्हारे आमाल सब खत्म कर दूंगा, सब रद्द कर दूंगा और तुम्हें खबर भी ना होगी। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, अब बात चली है तो मैं कह दूं, मुझे कहा गया कि जब ईद मिलाद के दिन जब मुए मुबारक की जियारत होती है तो लोग शोर करते हैं, लोग उसमें चीखों पुकार करते हैं, चाहे वो नात ही पढ़ते हो, मगर नबी की बारगाह में नात भी, नात अच्छी चीज है, मगर हुजूर की बारगाह में वो बाल नहीं है, ये समझ लेना, वो पूरा वजूद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ एक बाल नहीं है। ये गलती मत करना, ये गलत फहमी दूर कर लो, वो सिर्फ हुजूर का एक बाल नहीं है, उसका एहतराम उतना ही है जितना एहतराम रसूलुल्लाह का जाहिरी हयात में था, उतना ही एहतराम उस एक बाल का भी है। तो मुझे तो नहीं मालूम, मगर मुझे कहा गया कि ये चीज जो है आप समझा देना लोगों को, तो बात चल पड़ी उसी ताल्लुक से। तो मैं आपको खबरदार करता हूं कि जब मुए मुबारक जियारत के लिए लेकर चले तो बहुत धीमी आवाज में आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, बस आराम से बड़े इत्मीनान से, और उसको टच करने की भी कोशिश ना करें, उसको छूने की भी कोशिश ना करें, ये गलत फहमियां है, ये अदब नहीं है, अदब की बारगाह है, उसको छूने की भी कोशिश ना करें, ये गंदे हाथ, ये गुनाहों में लस्त हाथ, ये गुनाहों में डूबे हुए रंगे हुए हाथ, आप उससे उस अजीम अल्लाहु अकबर वजूद मोहम्मदी के एक जुज को टच करेंगे, ये मेरा जमीर मेरा ईमान तो गवारा नहीं करता। लिहाजा इस साल इस बात का जरूर ख्याल रखें, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह को हमारी ये अदा अगर नापसंद आ गई तो सारा किया धरा सब बेकार हो जाएगा, लिहाजा इस चीज का जरूर ख्याल रखें। बहर के दोस्तों, और भी बातें उस ताल्लुक से इंशाल्लाह मौके पे मैं कहूंगा। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, ए ईमान वालों, नबी के सामने अपनी आवाज को कतान बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे सारे आमाल गार कर दिए जाएंगे। अजीजाने मिल्लत, तो मैं अर्ज कर रहा था, बात चली थी कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलकाबात इरशाद फरमाए, उन अलकाबात को किसी और नबी के लिए ये कुरान में नहीं मिलता, ये कुरान हकीम में नहीं मिलता। तो हमें पैदा ही इसलिए किया गया कि हम रसूलुल्लाह की शान और आपकी अजमत को पहचाने। तो अदब का ही इस्तेज़ाए आसमान अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम कर दमी आए, अरे हम और आप तो क्या है, हमारी बंदगी क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हजरते बायजीद और जुनैद बगदादी जैसे बंदे, अल्लाह के आरिफ, अल्लाह के औलिया, जब वो नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अपनी सांस को भी बाहर रख देते हैं और सांस लेना भी बेअदबी समझते हैं। नफस गुम कर दमी आए, जुनैद और बायजीद, ये जुनैद और बायजीद जैसे बंदे जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो सांस लेने को भी बेअदबी समझते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये वो अजीम बारगाह है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे अव्वल पैदा फरमाया,
क्यों पैदा फरमाया? हदीस से मैंने आपको बताया कि लकद खलकतु दुनिया व अहलहा लिउरिफहुम बिमनजिलतिका व करामतिका इंदी। और ये मजालिस का असल मकसद भी वही है कि हम अपने नबी की सीरत को समझेंगे। नबी एक समझना तो दूर की बात है। मैं एक हदीस आपको और एक हदीस पेश कर दूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब कोई नहीं जानता इसमें तो सब आ गए। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अल्लाह के सिवा में कौन आते हैं जरा लिस्ट बनाओ कि अल्लाह के सिवा कौन कौन है, जरा लिस्ट तो बनाओ। तो जिब्रील अल्लाह के सिवा, मिकाइल अल्लाह के सिवा, इसराफील अल्लाह के सिवा, इज़राइल अल्लाह के सिवा, हजरते आदम अल्लाह के सिवा, मलाइका मुकर्रमीन अल्लाह के सिवा, हामिलीन अर्श अल्लाह के सिवा, आदम अल्लाह के सिवा, शीस अल्लाह के सिवा, नूह अल्लाह के सिवा, इब्राहिम अल्लाह के सिवा, हूद और सालेह अल्लाह के सिवा, मूसा अल्लाह के सिवा, ईसा अल्लाह के सिवा, सिद्दीक अकबर अल्लाह के सिवा, फारूक आजम अल्लाह के सिवा, उस्मान ज़ुन्नूरैन अल्लाह के सिवा, अली मुर्तज़ा अल्लाह के सिवा, खदीजतुल कुबरा अल्लाह के सिवा, फातिमा ज़हरा अल्लाह के सिवा। जब अल्लाह के सिवा की लिस्ट बन जाए तब ये हदीस पढ़ो, लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अल्लाह के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जान सकता। मुझे ताज्जुब है जो साथ साथ में थे, जो जिन्होंने साथ में सोहबत इख्तियार की, अबू बकर गार में साथ में है, मस्जिद में साथ में है, बिस्तर पे साथ में है, और गारे हिरा में साथ में है, मुसल्ले पर साथ में है, जिंदगी के हर लम्हा में साथ साथ में है, उन्होंने नहीं पहचाना। 1400 साल के बाद आने वालों ने पहचान लिया। जो साथ में थे वो नहीं पहचान सके। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचान। और दोस्तों तो हमें तो, और अल्लामा ने क्या, देखिए अल्लामा ने क्या अपने अशार के जरिए क्या नजरिया क्या अकीदा दिया है। कहते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शब्द अव्वल है, इसी में हो कुछ खामी सब कुछ नामुकम्मल है, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। अरे तू इस जहान फानी की फानी दौलत के पीछे दौड़ रहा है, तू इस फानी दुनिया के पीछे सरगर्दा है, परेशान है, तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, लोगों को परेशान किया, कोई गुनाह बाकी ना रखा। अरे क्यों मोहम्मद का वफादार हो जा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर तूने मोहम्मद अरबी मेरे हबीब की वफादारी का इख्तियार कर लिया तो सुन ले नतीजा क्या है, ये जहां चीज क्या है जिसके पीछे तू भाग दौड़ कर रहा है, जिसके पीछे तू दुनिया को जहन्नम बना रहा है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तू मोहम्मद का वफादार तो हो जा, लोह भी, लोह माने तख्ती जिस पर तकदीर लिखी गई और कलम जिससे लिखा गया, तो अगर तू मोहम्मद का वफादार हो गया तो तख्ती भी, तकदीर की तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होगा, तो खुद अपनी तकदीर लिख लेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह ने सबसे पहले, आइए उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, परवरदिगार ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अच्छा, कुरान हकीम में इस बात का सबूत मिलता है। बाज लोग कहते हैं, बाज नहीं बल्कि अहले सुन्नत के सिवा जितने फिरते हैं उन सब का यह मानना है कि यह हदीस मौजू है, मनगढ़ंत है, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकार करते हैं। मगर दोस्तों, कुंतो नबी के वादमु बैनल माए वक्ति, जो सही बुखारी की हदीस है, तो नबुवत तक तो पहुंच गए जबकि आदम भी न थे, तो वहां तक तो पहुंच गए। उससे पहले कल एक हदीस मैंने आपको सुनाई थी कि अल्लाह ने नबुवत से पहले मुझे अब्द बनाया, तो पहुंचे वहां।
और सुनिए, ये तो कुरान और हदीस की रोशनी में था, कुछ साइंसदान भी कुछ एक बात करते हैं, उनकी भी तहकीक में आपको सुनाऊं। 1980 में, 80 की दशक में साइंसदानों ने एक रिसर्च किया, एक तहकीक किया। क्या था कि दुनिया कैसे बनी, मौजू क्या था, दुनिया कैसे बनी। तो अलग अलग थ्योरी लोगों की थी उससे पहले भी, मगर जब साइंसदानों ने तरक्की की, इल्म को फरोग मिला, टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो एक थ्योरी सामने आई बिग बैंग के नाम से। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो साइंस तो मालूम होगा, बिग बैंग के नाम से एक थ्योरी सामने आई और दुनिया हक्का बक्का रह गई कि ये क्या बात है। और कुरान उसकी तारीफ करता है, कुरान उसकी तारीफ करता है, क्या कि ये दुनिया एक धमाके से बनी है। किससे बनी है? धमाके से, बिग बैंग यानी बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका। और इतने पे ही नहीं, गुफ्तगु आगे बढ़ रही है। कहते हैं कि ये दो बार हुआ, एक बार पहले भी हुआ और एक दूसरी बार हुआ। तो जो दूसरी बार हुआ ना, अभी तक साइंसदान वहां तक पहुंचे हैं, अभी साइंस वहां तक पहुंचा है जब दूसरी बार धमाका हुआ, कि ये दुनिया बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई। अब उसकी डिटेल में उस फील्ड के जो माहिरीन है वो आपको समझा सकेंगे, मगर ये थ्योरी, ये नजरिया साइंसदानों का, ये मैंने आप तक पहुंचाया। अब आइए कुरान की तरफ। कुरान कहता है, अवलम यरल्लजीना कफरू अन्न समावाती वल अर्द कानत रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माए कुल शयइन हयइन अफला युमिनून। कहता है परवरदिगार सूरह अंबिया में 17वें पारे की आयत है, रब्बुल आलमीन फरमाता है, अवलम यरल्लजीना कफरू अन्न समावाती वल अर्द कानत, क्या आपने देखा नहीं, गौर नहीं किया कि आसमान, ये काफिर ये देखते नहीं है, अवलम यरल्लजीना कफरु, कि ये काफिर गौर नहीं करते, देखते नहीं कि अन्न समावाती वल अर्द कानत रतकन, कि आसमान और जमीन ये सारी कायनात मिले हुए थे एक गेंद की तरह। क्या था? एक गेंद की तरह। फपतकना हुआ, हमने उसे फाड़ा, तो आसमान अलग हुआ, जमीन अलग हुई, और उस धमाके में जो जर्रे छटे, जो बिखरे स्पेस में, खुला में, वो कोई सूरज बना, कोई चांद बना, कोई मरीख बना, कोई मुश्तरी बना, कोई कुछ बना, कोई नेपच्यून बना, सन बना और मून बना, वगैरह वगैरह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, ये इनकी जुबानों में, ये सब उस धमाके के जर्रे हैं जो बाद में वजूद में आए। तो रब्बुल आलमीन, तो साइंसदानों की ये तहकीक की ताईद कुरान की आयत कर रही है, अंदाजा यही है। दौरे जदीद के मुफस्सिरीन का भी ये मानना है कि ये बिग बैंग, यहां पर बिग बैंग का जिक्र हो रहा है कि जो धमाका हुआ था जिससे दुनिया बनी है, ये वो धमाका था जिसका जिक्र कुरान में इस आयत में है कि अन्न समावाती वल अर्द कानत रतकन, कि ये गेंद की तरह था, फपतकना हुआ, हमने उसे फाड़ दिया। और ये फाड़ना क्या था? ये वही जो साइंसदान कहते हैं बहुत बड़ा धमाका। और फिर उसके बाद आगे चलकर इसी सूरह मुबारका में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यौमा नतवी समा हम आसमान को उसी तरह लपेट देंगे जिस तरह वो लिपटा हुआ था। वो क्या कैफियत थी वो हम नहीं जान सकते, मगर कुछ समझ में आ रहा है, यौम नतवी समा, ये कयामत के दिन की बात है कि हम उसको ऐसे ही लपेट देंगे जैसे कि हमने उसे खोला था। और जैसा कि हमने उसको पहले पैदा किया था, उसकी हकीकत, उसकी पहली वाली सूरत पर हम उसे लौटा देंगे। वादन आलेना, और ये हमारा वादा है, इन्ना कुन्ना फाइलीन, और ये हम करने ही वाले हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा, साइंसदान, साइंस की बात चली है तो आपके जौक के लिए मैं एक बात और, एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। साइंसदानों ने ये दुनिया कैसे बनी, बिग बैंग तक पहुंच गए, उसके बाद कहते हैं कि ये दुनिया मुसलसल फैल रही है। क्या
मुसलसल हिल रही है। ये कायनात ये ऐसा नहीं है। अरे अगर आप गौर करें तो आपका दिमाग हैरान हो जाए, दिमाग शस्त्र हो जाए, अकल परेशान हो जाए कि क्या परवरदिगार ने क्या अपनी कुदरत का, क्या अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। ये चांद बनाकर, ये सूरज बनाकर, ये जमीन बनाकर, ये समंदर बनाकर, ये पहाड़ बनाकर और ये तमाम कायनात को बनाकर अल्लाह ने अपनी कुदरत का क्या करिश्मा दिखाया है। गौर करें तो अकल परेशान हो जाती है। साइंसदान कहते हैं कि ये कायनात जब से बनी है मुसलसल फैल रही है। और इसकी भी तारीफ कुरान की एक आयत करती है, सूरह ज़ारिया 27वें पारे की आयत। अल्लाह फरमाता है कसम है आसमान की और कसम है उसके बनाने वाले की, वस्समा बनैनाहा बेआइनिन, इस आसमान को हमने बनाया और अपनी कुदरत से बनाया, बेआइनिन अपनी कुदरत से बनाया, वइन्ना लमुसिउन और इसको हम मुसलसल फैला रहे हैं। तो कुरान 1400 बरस पहले जो बात कह रहा है, साइंसदान आज तहकीक करके रिसर्च करके वही बात कह रहे हैं कि कायनात धमाके से बनी, अल्लाह ने इसे फाड़ा, वो धमाका बिग बैंग हुआ और कहते हैं कायनात फैल रही है। कुरान कहता है वही नालमों से और रब फरमाता है कि हमने इसको बनाया है और हम ही इसको मुसलसल फैला रहे हैं। और ये बना दिया तो सिर्फ उतने ही पर ये सीमित नहीं है, हम इसको मुसलसल फैला रहे हैं और फिर हम इसको तबाह भी एक लम्हे में कर देंगे। भाई आप घर बनाते हैं और कभी मौका आए, ऐसा वक्त आए कि चलो मकान पुराना हो गया, फिर आप तोड़ने जाते हैं तो कितना टाइम जाता है, मजदूरी भी कितनी लगती है, कितने आदमी उसमें लगते हैं, कितनी मशीनरी लगती है। मगर इतनी बड़ी कायनात को परवरदिगार ने पैदा किया, एक सेकंड में इसको तबाह भी कर देगा, एक सेकंड में। अल्लाह को वक्त नहीं लगेगा, अल्लाह ताला के लिए ये कोई बाइन नहीं, अल्लाह ताला वो कादिर है मुतलक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। दोस्तों ये तो आपके ज़ौक के लिए मौजू से हट के मैंने चंद नुकात आपके हवाले किए, अब आइए उसी मौजू पर कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। ये नूर, ये जो साइंसदान कहते हैं कि इससे पहले भी दुनिया बनी थी, इससे पहले भी एक धमाका हुआ था और फिर ये जो बिग बैंग है उसके लिए साइंसदान कहते हैं कि ये 600 करोड़ साल पहले ये धमाका हुआ था। और कुरान कहता है अल्लज़ी खलका सबअ समावातिन फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने आसमान को जमीन को पैदा किया 6 दिनों में। कितने दिनों में? तो एक बात समझ में आती है, थोड़ी सी मुताबिकत होती है। मैं ये नहीं कहता साइंसदान कह रहे जो बस वही कुरान कह रहा है, नहीं, मुताबिकत होती है, कुछ समझने में मदद मिल रही है कि 6 दिनों का जो सित्र है तो क्या इतना बड़ा आसमान 6 दिन, जो दिन का जो हिसाब है जो हमारे नजदीक है, क्या ये एक दिन मुराद है? नहीं, एक दिन पूरे दौर को कहा जाता है। तो 6 अय्याम 6 दिनों में पैदा किया आसमान और जमीन। तो ये जो साइंसदान कहते हैं 600 करोड़ साल पहले ये धमाका हुआ था और रफ्ता रफ्ता फिर ये कायनात बनती गई, कुर्रे जमते गए और फिर उसमें पानी भी बरसा वगैरह वगैरह, वो एक अलग मौजू है। तो दोस्तों उससे पहले भी एक धमाका हुआ, कायनात में 2 बार धमाके हुए, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंसदान कह रहे हैं। तो अब मैं इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्या कि परवरदिगार ने जो अव्वल धमाका था रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और ये धमाका कैसे हुआ, ये सिर्फ मेरी राय नहीं, ये सिर्फ मेरी तहकीक नहीं, दौरे जदीद के उलमा भी ये बात कहते हैं और इसका इकरार भी करते हैं और इसको बयान भी करते हैं। फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाता है इजा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब रब ताला किसी शय का इरादा करता है तो बस उससे फरमाता है हो जा, कुन। ये धमाका था, ये सिर्फ इतना सिंपली तौर पर नहीं कि बस कुन हो जा होगी, नहीं, कुन हो जा, उसको बिग बैंग कहा गया, कुन। अब ये कुन इस आयत से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कुन जो सबसे पहले परवरदिगार ने जिस चीज को चाहा उससे फरमाया कुन हो जा, किस चीज को चाहा, और जिसको चाहा वो उसकी चाहत हुई,
भाई मैं आपको चाहूंगा तो आप मेरी चाहत है? हैं? मैं अल्लाह को चाहता हूं, अल्लाह मेरी चाहत है, इतना चाहता हूं कि उसका वजूद मेरी चाहत है, मेरी मोहब्बत है। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो कहा गया कि हुब्बुल्लाह हुब्बुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की मोहब्बत। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को लोग नबी की मोहब्बत पुकारते थे। रसूलुल्लाह ने एक मुकाम पे फरमाया कि अब्दुल्लाह ए इब्ने उमर तू मेरी मोहब्बत है, मुझे मैं तुझे इतना चाहता हूं कि तू सराबा मेरी मोहब्बत है। तो जिसको चाहा जाए वो आपकी चाहत है। अल्लाह ताला ने चाहा किसको? अपनी चाहत को। और फिर उससे फरमाया कुन हो जा। अब ये कुन काफ और नून शायद मैंने पहले भी इसे बयान किया था। काफ और नून, काफ कलामे इलाही है, काफ से मुराद कलामे इलाही कुन अल्लाह ताला का कलाम है। तो काफ इशारा है कलामे इलाही की तरफ और नून इस्तेआरा है नूरे मोहम्मद की तरफ। तो जब ये काफ और नून मिले तो उस कुन के बाद फयकून नूरे मोहम्मद पैदा हुआ। अब वलमा खलक अल्लाह वकुल खलायक मिन नूरे मोहम्मद को पैदा किया। पहले चाहा हजारों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत साल अपनी चाहत अपनी मशीयत के पर्दों में रखा, अपनी मोहब्बत अपनी चाहत के राजों के पर्दों में रखा और फिर जब उसे जाहिर करना चाहा तो कुन कह के उस नूर को जाहिर फरमाया। और यहां से हुजूर अलैहिस्सलाम के नूरी सफर का आगाज होता है। ये नूर जब पहला खलीफा जमीन पर पैदा किया गया उसके सुल्ब में उसकी पेशानी में मुंतकिल हुआ और ये मुंतकिल होता हुआ अंबियाए साबिकीन में चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां तक के आज से तकरीबन 1450 साल 1500 साल पहले का दौर अगर आप पीछे जाएं तो फिर ये नूर आकर ठहरा है शिक में आमिना। शिक में आमिना में मैं चाहता था कि मैं पिछले अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की के कुछ हालात आपके सामने रखूं, मगर मुझे ये डर हो रहा है कि शायद मैं सीरत को फिर इतने दिनों में बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीरत एक बहुत बड़ा मौजू है इंशाअल्लाह ताला। बस हम इसको यहाँ मौकूफ करते हैं कि ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के वालिद गिरामी है उनकी पेशानी में आके चमकने लगा और सुल्बे मुबारक में ठहरा और फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से वालिहा सलाम से आपका निकाह हुआ और ये नूर शिक में आमिना में जलवा फरोज हुआ और 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त ये नूर बशरी पैकर होकर दुनिया में जलवा फरोज हुआ। इंशाअल्लाह ताला अब यहां से इस नुक्ते से कल से हमारी गुफ्तगु शुरू होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब शिकमे आमिना में आए और अब्दुल्ला की पेशानी में आए ये नूर मोहम्मद जब जलवागर हुआ तो क्या बरकत है उस दौर उस वक्त के माहौल के हालात क्या है और हज़रत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ परवरदिगार ने क्या क्या अपनी कुदरतों का मुजाहरा फरमाया ये तमाम हालात इंशाअल्लाह कल आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।